परेश और आपका स्वागत करता हूँ सिटी विदर्भ न्यूज के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है जनता जनार्दन विद परेश। वैसे आप लोगों को पता है कि परेश मैं हूँ और हमेशा मैं कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, पर इस बार थोड़ा अलग है क्योंकि भैया ये महीना है जनवरी का। जनवरी यानी कि जनवरी में आता है 26 जनवरी रिपब्लिकन डे, जिसमें पूरे लोग पूरे देशभक्त बन जाते हैं, सभी लोग देशभक्त बन जाते हैं। और आज मैं ऐसा ही एक मुद्दा और ऐसे ही कुछ मेरे सवाल जवाब रहेंगे इन लोगों से कि क्या करेंगे लोग अगर इन्हें बोला गया कि देश के लिए कुछ करना है। तो आओ चलते हैं, आज की पूरी बातें होगी देशभक्ति से लेकर। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय, कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तपता बोगीटों में। रंग ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। जब मैं यहाँ आया, जब मैंने स्टार्टिंग वीडियो से यहाँ पर की, तो उस समय यहाँ पर मेरे पीछे एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें बहुत कुछ है, अगर समझने वालों के लिए उसमें बहुत कुछ है। और जिसने बनाई है वो मेरे साथ यहाँ पर, आइए जानते हैं कि क्या मोटिव था उनका ये पेंटिंग बनाते समय। हाँ सर, बताइए इस पेंटिंग के बारे में। सर हम ग्रगार ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर और युवा को लेके हम एक यूथ जनरेशन तैयार कर रहे हैं कि आजकल बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं जिनके पास में डिग्री होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम एक अपना खुद में एक यूनिट डाल के मतलब एक सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें इकट्ठा करके हम युवा को रोज़गार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के माध्यम से हमने ये इवेंट किया है ताकि हमने एक देश जागृति जो गणतंत्र दिवस है जिस तरह से मनाना चाहिए, एक स्वतंत्र एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है वो निभाने के लिए, उसके लिए हमने एक शो किया है कि आज कल जो टॉपिक है जैसे रोहित का एक सुसाइड हुआ है, चाइल्ड अब्यूजमेंट अभी टॉपिक है, एक एंटी टेररिज्म है और एक अनेकता में एकता मतलब कैसे ह्यूमैनिटी इन पीस। आजकल अलग अलग जाति धर्म भेदभाव बहुत बढ़ चुका है, उसको हम एकत्र करना चाहते हैं। आज सबका खून तो लाल है ना, तो यार जल में धर्म में क्यों बदलाव करते हैं आप। तो हमने इस पेंटिंग के माध्यम से वो दर्शाने की कोशिश की है कि आप अनेकता में एकता में बिलीव करो। अगर आपने इसमें मैंने देखा है कि यहाँ बहुत से टॉपिक्स के ऊपर ये पेंटिंग बनी हुई है, मुझे पसंद भी आई कि बहुत अच्छी पेंटिंग आपने बनाई। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि देश में आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो अगर आपको कुछ करने दिया जाए देश के लिए तो आप क्या करोगे? सर क्राइम इसलिए बढ़ता है, देखो क्राइम इसलिए बढ़ता है कि अगर किसी के पास में रोज़गार ना हो, उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं हो और तो वो कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए एक बुरी संगत में या फिर बुरी कामों में जाता है। ठीक है, जैसे एक लोगों को एक नशे की ज़रूरत होती है तो नशे की तरफ भागता है, अगर उसको काम में सेटिस्फैक्शन मिले तो वो नशे की तरफ भागेगा ही नहीं और क्राइम इससे बढ़ेगा नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं,
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। साथ ही साथ मेरी यहाँ एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात हुई है जो बहुत ही अच्छा शायरी बोले उन्होंने और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आया कि आप मेरे साथ साथ आप लोग भी सुने। सर, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले गुनगुनाया था वो प्लीज एक बार फिर एक बार। क्यों मरते हो बेवफा हसीना के लिए, क्यों मरते हो बेवफा हसीना के लिए, मरना है तो मरो अपने वतन के लिए। यूं तो दो गज जमीन भी नहीं मिलेगी दफन के लिए, अगर देश के लिए मरोगे तो हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। वैसे भाई आपका नाम पहले जानना चाहूँगा मैं। पंकज। हाँ पंकज भाई, मैं मेरा एक सवाल है आज का कि अगर अब आज के सिचुएशन में अगर आपको कुछ देश के लिए करना हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं ये यहाँ की जितनी भी गंदगी है सब साफ करूँगा और उसके बाद जो लोग रोड पे जो झंडे फेंकते अपने तिरंगे का अपमान होता है वो होने नहीं दूंगा, उठाऊंगा उसको, पास में रखूंगा, अपने घर लेके जाऊंगा, सुरक्षित जगह पे रखूंगा उसको, मतलब उसका मतलब अपमान नहीं होने दूंगा। नहीं, ये बात तो आपने सही बोली, पर ये तो आज के दिन के लिए हो गया, बाकी दिन तो मैं तो यही काम करता हूँ हमेशा, ऐसा तो नहीं कि आज ही बोलूँगा और करूँगा, ऐसा नहीं, हर दिन का काम है अपना। आपने जैसा बोला कि मैंने साफ सफाई यहाँ करना चाहूँगा, तो क्या आपके साफ सफाई करने से हो जाएगा देश साफ या फिर सभी लोगों ने करना चाहिए? मुझे तो लगता है सभी ने करना चाहिए, लेकिन ये जो सोच है वो सभी को नहीं मिलती और सभी यही सोच से नहीं चलते, लेकिन वो सोच लाना जरूरी है। क्यों नहीं करते होंगे लोग ऐसा? वो तो उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्यों नहीं करना है, करना है या नहीं करना, वो उनका प्रॉब्लम है, तो वो अपन उनको बोलने से। सही बात बोली भैया ने कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब तक आप नहीं सुधरोगे देश नहीं सुधरेगा, क्योंकि भैया जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक देश भी नहीं बदलेगा, तो देश को अगर बदलना है तो आप बदलो, हम खुद बदले, उसके बाद देश बदलेगा। सही बात है तो भाई, जय जय हिंद जय भारत। वैसे यहाँ मेरे साथ कुछ यंगस्टर है हमारे सिटीज़ के, तो भाई मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए मिला है ना, आपके और मेरे देश के लिए कुछ करने को मिला तो क्या करोगे? बचपन से एक इच्छा है, मैं कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ, तो मेरे को आर्मी में जाना है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और एक दिन मैं ज़रूर आर्मी में सिलेक्ट होऊंगा और अपने देश के लिए कुछ ये अच्छा काम करूँगा। नहीं नहीं, आर्मी में जाके क्या करोगे? आर्मी में जाके देश के लिए अच्छा ही करूँगा ना, सुरक्षा करूँगा। सुरक्षा पक्का। वैसे और कुछ है मेरे साथ यहाँ मेरे फ्रेंड्स, भाई आपका क्या कहना है? सर, मैं तो बोलना चाहूँगा कि इंडिया में क्राइम बहुत बढ़ रहा है और इसको कम करना चाहिए, इसकी वजह से हमारे मतलब गरीब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये सब बंद कर दो प्लीज़। ये आपकी सही कहा भाई ने कि क्राइम की वजह से देश का नाम भी एक तरह से बदनाम ही होता है, तो क्राइम भी बंद होना चाहिए भाई। मेरा भी कहना वही है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे रेप बलात्कार जैसे हो रहे हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि ये सब बंद करो, क्योंकि एक दिन आपके बहन बहन भाई यानी बहन बेबी भी आ सकते हैं, इसलिए सब बंद होना चाहिए। आपका कहना ये आ रहा है कि भैया कि अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो एक दिन गलत आपके साथ भी होगा। वो भी मेरा वही कहना है, इसलिए सब बंद होना चाहिए। सही इरादों के साथ ये लोग निकले आज। वैसे भाई सभी को मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ सब लोग बोलना है, भारत माता की जय। वैसे सर जी, अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? मुझे अगर देश के लिए कुछ करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा कि हमें सिर्फ मोबाइल के अंदर ही नहीं रहना चाहिए घुसे हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए और अपने अंदर अच्छे कर्तव्य लाने चाहिए, देश के प्रति अपने को क्या करना है वो सब चीज़ें अपने सोचना चाहिए, और बच्चे ही कर सकते हैं वो चीज़ें, सिर्फ मोबाइल में ही घुसे रहना ये हमारी नैतिकता नहीं है, सभ्यता नहीं है। वैसे मैं जब यहाँ से गुजर रहा था कि भाई मैंने एक नज़र पड़ी मेरी वाली कि आम लोगों के साथ साथ यहाँ पर मेरे दो भाइयों पर नज़र पड़ी, जो है एक शाहरुख खान फैंस क्लब से और एक हमारे सलमान खान फैंस क्लब, यानी कि दोनों खान्स। वैसे आजकल उनकी भी दोस्ती बहुत बढ़ रही है, तो इन्होंने भी वैसा सोचा कि दोनों मिलकर कुछ करते, तो आए जानते हैं आज क्या किया इन्होंने, क्या किया आज? एक्चुअली आज हमने स्वच्छ भारत अभियान रखे थे 26 जनवरी थी, तो
लोग हालांकि गाड़ियों पे घूमते हैं, झंडा लेके रोड पे निकलते हैं, लेकिन वो एक ही दिन के लिए लोगों के अंदर देशभक्ति दिखती है। लेकिन एक चीज़ ये एक्चुअली उनके अंदर वो यूनिटी नहीं है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, एक देशभक्ति जो दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। एक्चुअली चीज़ ऐसा है कि हम लोगों ने आज स्वच्छ भारत अभियान इसीलिए रखा क्योंकि लोगों को आप देखते हो ये फुटाला तालाब में हम लोग ये चूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है और लोगों को हम लोग एक्चुअली मैसेज देने चाहते थे ये कि आप जो भी मतलब खाते हो वो आप ऐसा फेंक देते हो, क्योंकि क्या है आपको अपनी सिटी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि क्या रिपब्लिक डे है तो आपको सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, आपको अपने देश के लिए सोचना है। वो एक दिन की देशभक्ति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टिंग से कर रहे हैं, नवंबर से कर रहे हैं, हमारा 6वीं 7वीं बार है। तो इस बार इसको यूनिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि शाहरुख खान फैन क्लब से चार्ली भाई से मेरी बात हुई कि मैंने इनको बोला कि हम लोगों को स्वच्छ भारत अभियान करना है मिलके। वो अलग चीज़ ऐसे होगी क्योंकि क्या है सलमान भाई शाहरुख खान भाई दोनों आपस में भाई हैं, क्योंकि क्या लोगों के अंदर वो सोच क्या है हम लोग वो नहीं जानते, लेकिन हम दोनों आपस में भाई हैं क्योंकि वो वहाँ पे भाई है, हम लोगों के भाइयों की तरह रहना चाहिए, हम लोगों को एक यूनिटी बना के चलनी चाहिए, लोगों को एक अच्छा संदेश देना है। तो वैसे भी इंडिया क्लीन रहेगा स्वच्छ भारत अभियान इसीलिए रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि आप लोग यहाँ पे दुकान लगाते हो, आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हो जो यहाँ वहाँ जिसमें पन्नी में रहते हैं, जो यहाँ पे खड्डे में रहते हैं, तो आप अपनी दुकान में एक डस्टबिन भी रखो ताकि लोग आपकी दुकान से जो सामान ले रहे हैं वो यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा उस डस्टबिन में डालें। तो अगर आप डस्टबिन में डालोगे तो कचरा फैलेगा नहीं तो यहाँ पे हम लोगों को साफ करने की या आपको साफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका जिससे आप अपने जगह को, अपने एरिया को, अपने कंट्री को क्लीन कर सकते हो, साफ रख सकते हो, स्वच्छ रख सकते हो। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। वैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि आपका जो आज का ये प्रोग्राम था उसके बारे में आपने बताया, पर चार्ली भाई मैं एक आपसे जानना चाहूँगा कि अगर देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? बिल्कुल, अभी देखिए अभी हम लोग सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट रहता है, तो ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो आज 26 जनवरी है तो गाड़ी लेके स्टंट मारना या घूमना, कुछ दोस्तों के साथ मजा करना, उससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम देश को दे और अपने नागपुर सिटी को स्वच्छ बनाए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर सभी लोग ये अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ एक रंगीन मिजाजिया टीम यहाँ पर मेरे हाथ लगी है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपका ये लुक जो आपने आज पहना हुआ है, वैसे क्या आप तिरंगे वाली, तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। थैंक यू। सबसे पहले मेरे साथ में भारत माता की जय, भारत माता की जय। वैसे मैं एक सवाल है आज मेरा कि अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? मैं अपने देश के लिए, सभी भारतवासियों के लिए कुछ ऐसा कर जाना चाहती हूँ, जैसे कि अपने बॉर्डर पे कई हमारे जैसी लड़कियाँ जो ने इतनी मेहनत करती हमारे लिए, हमारे देश को संभालती हैं, उसी तरह हम हमारी लड़कियों के लिए भी मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। और जो इतनी लड़कियाँ छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत होता है, और कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों को इतनी बेकार नज़र से देखते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि वो बच्चों अपने चेहरे पे उनके हमेशा स्माइल रहे, वो खेले कूदे, उनके साथ कभी बुरा ना हो, मैं कुछ ऐसा ही करना चाहूँगी। और उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उनके लिए हर एक बंदा उन सब छोटे छोटे बच्चों के लिए मदद के लिए खड़ा हो। वैसे मेरा एक आज का सवाल है कि अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूँ। मैं चाहूँगी कि मैं आर्मी में या नेवी में ट्राई करूँ और देश के लिए कुछ करूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा एनर्जियों पे BSF के बारे में, तो वो मुझे इंस्पिरेशन देती है कुछ करने के लिए, कि हमें कभी पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। और देखा मैंने कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं, कब सुबह 3:30 बजे उठते हैं, क्या करते हैं, बहुत
हम घर पे बैठ के जितना सिक्योर महसूस करते शायद उनकी फीलिंग्स जो बॉर्डर पे रहते उनकी हमें कभी पता नहीं चलती। इफ़ मुझे नेक्स्ट जनरेशन में कुछ करने मिले या मैं मुझे गॉड पूछे क्या करना है तो डेफिनेटली मैं आर्मी या नेवी में जाना पसंद करूँ। तो यार हमने जाना है कि आज हमारे देशभक्ति कितनी रंगीन है और कितने लोगों का साफ दिल है कि कई अच्छे काम में आगे बढ़ने के लिए वो चाहते हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो कई काम वो अच्छा कर सकते हैं। तो पर मुझे एक बात उनसे सीखने को मिली कि अगर आप खुद होके बदलोगे तो पूरे देश बदल सकते हैं। तो देश बदलने के लिए पहले अपन बदलो, खुद बदलो, उसके बाद देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तपता बोगी तो में रंग ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यू ही पिसना यू ही पिसना यू ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए।